बिहार विधानमंडल सत्र के चौथे दिन सोमवार को विपक्ष ने विधान परिषद के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी। नेता विरोधी दल राबड़ी देवी ने अपने पार्टी के नेताओं के साथ किया प्रदर्शन। प्रदर्शन करते हुए आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, सीएम नीतीश कुमार हमारे विधायक और विधान पार्षदों को धमका रहे हैं। नहीं की गई थी जो धरातल का समस्या था, कृषि का समस्या था, किसानों का समस्या था, और जब हम लोग यह बात सदन में रखना चाहे तो पूरे सत्तारूढ़ पार्टी के सारे जितने भी विधान पार्षद है उठ करके पूरी तरह से बाधित किए। उतना ही नहीं, जब हम लोगों ने शांतिपूर्वक इसका विरोध किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लोगों को बोले कि मैं आप लोगों को बर्बाद कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा, और यह शब्द कई बार उन्होंने इस्तेमाल किया। तो भाई देखिए, इस तरह का जो आचरण उनका सदन में हुआ यह बिल्कुल अनुकूल नहीं था। वहीं आरजेडी के विभागों की जांच के मुद्दे पर सुनील सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी का चोला पहनकर नीतीश कुमार से बड़ा भ्रष्टाचारी इस देश में कोई और नेता नहीं है। हमने बता दिया, समाजवादी चोला पहनकर नीतीश कुमार से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता इस पूरे देश में कोई नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में 326 फर्जी फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ दर्ज किया आपराधिक मामला, जल्द होगी कार्रवाई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मानदंडों का पालन नहीं करने वाले सभी फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई जल्दी पूरी कर ली जाएगी। 323 के खिलाफ प्रक्रिया जारी है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें संत और राष्ट्रवाद का बताया प्रतीक। जो प्रथम दिन 2014 में तो उस लोकतंत्र के मंदिर के सीढ़ी को प्रणाम किया, उनको क्या है, वो तो संत आदमी हैं। अकाउंट में पैसा नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई मकान नहीं, वो राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। गिरिराज सिंह ने लालू यादव, ममता बनर्जी और स्टालिन पर परिवारवाद का लगाया आरोप। कहा, कोई अपने बेटे तो कोई अपने भतीजे को आगे बढ़ाना चाहता है, एनडीए अलायंस वंशवाद का प्रतीक है। जो राजनीतिक दल हैं वो अपने वंश को बढ़ाते हैं। लालू यादव जी हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मुलायम सिंह जी बना दिए, अब इधर देखिए ममता जी अपने भतीजे को, स्टालिन अपने बेटे को। पूरे देश में जो ये गठबंधन है, इंडी गठबंधन, ये अपने परिवारवाद का है। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सुशील मोदी ने आरजेडी पर लगाए आरोप। कहा, आरजेडी घोटालेबाजों को राज्यसभा भेजती है। सुशील मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा कि लालू यादव की पार्टी राज्यसभा का टिकट देने में उन्हीं लोगों को प्राथमिकता देती है जो परिवार की अवैध संपत्ति बनाने छिपाने में संलिप्त हो या अवैध खरीद फरोख्त का कच्चा चिट्ठा रखता हो। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को चुनाव आयोग ने दिया नया नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल, अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस नाम से पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार की सुबह से अपने जन विश्वास यात्रा पर निकलेंगे। 32 जिलों में करेंगे जनसभा, 1 मार्च को समाप्त होगी यात्रा। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कसा तंज। कहा, पहले उन्हें लूट यात्रा निकालना चाहिए फिर जन विश्वास यात्रा। पहले उनको लूट यात्रा निकालना था, बिहार में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उनके परिवार ने किया, वो पहले तो लूट यात्रा को बताना चाहिए कि जी कितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, उनके परिवार ने किया।